स्वागत है आपका। नमस्कार मैम जी नमस्कार सर, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी। मैं मेरठ उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। बताएं सर, आपका प्रश्न क्या है? मैं हकीम साहब को भी मेरा नमस्कार। बलवंत जी स्वागत है आपका। जय हिंद। सर मैं आपका बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ। मैं 2-4 दिन से मैंने आपका ये सुना है, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मतलब लोगों का इतना अच्छा फीडबैक, इतना अच्छा फायदा हो रहा है लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए जो आप ऐसा काम कर रहे हैं। सर जी मेरा भी कुछ प्रॉब्लम है सर। मेरे को एक तो ना मेरा किडनी का प्रॉब्लम है। क्रिएटिनिन लेवल मेरा पिछले 1 साल से 1.2 से 2 के बीच में रहता है, मतलब जबकि मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जैसे आपने परसों भी किसी को बताया था कि उसमें अलसी का वो और क्या बताया था आपने, एक नमक जैतून और खाने का सोडा का बताया था कि एक चुटकी उसको लेकर के आधा चम्मच लेकर, जी। तो सर मुझे जरा थोड़ा इसके बारे में कुछ बता दें। और मेरी मिसेज भी थोड़ा शुगर की पेशेंट है। वैसे मैंने कल आपके यहाँ पे ऑर्डर किया है गोंद सिया के लिए, नमक जैतून के लिए और जैतून का सिरका 2 लीटर के लिए। तो उन्होंने बोला कि आपको एक हफ्ते के अंदर मिल जाएगा। तो मैंने कहा हम भी इसको इस्तेमाल करके देखेंगे, तो आप इस बारे में कुछ हमें गाइड करें सर प्लीज। आप तक ये नुस्खे पहुंचने, गौन से आप तक पहुंचेगा तो आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम खाया जाता है, ये दूध या पानी के साथ। ये दुनिया की सबसे अच्छी दवा मैं मानता हूँ, रॉ मटेरियल के रूप में। मैं अपने 40 साल तजुर्बे से ये बात कहता हूँ कि दुनिया की सबसे अच्छी रॉ मटेरियल कच्ची दवा है, अगर असली मिल जाए। दर्द कहीं भी हो, जोड़ों में हो, घुटनों में हो, पिंडलियों में हो, थाइज में हो, पैरों में हो, कमर में हो, मोंडों में, कहीं भी दर्द हो, आप कभी इसे इस्तेमाल करके देखें असली। इसमें अब कुछ लोग नकली बेचने लगे, जगह 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 जगह, तो नकली ना लें, असली मिलेंगे तो फ़ायदा मुमकिन है। तो ये आप तक पहुँचेगा। और जो किडनी की समस्या आपने बताई, किडनी की जो गंदगी बढ़ जाती है तो उसकी वजह ये होती है कि किडनी का काम है खून को साफ करना, पूरे दिन खून को साफ करती है ये। अगर वो सफाई के काम में गफलत बरते, पूरी तरह ना करे, तो किडनी की गंदगी बढ़ जाती है, जिसे क्रिएटिनाइन कहते हैं। तो वो नुस्खा मैंने बताया होगा आपको कि अलसी का पाउडर, हल्का सा भुनी हुई अलसी आधा चम्मच, और एक चुटकी नमक जैतून पानी मिलाकर, और ज़रूरत पड़े तो एक चुटकी सोडा खाने का भी ले सकते हैं। और ये दिन में एक बार या दो बार लेने से किडनी की अपनी जिम्मेदारी पूरी करने लगती है और आपकी क्रिएटिनाइन लेवल ज़रूरत के दायरे में आने लगता है। और सिरका भी आपने मंगाया, ये तीन चार काम बड़े अच्छे करता है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट ब्लॉकेज को खोलता है, और लीवर किडनी के लिए भी फायदेमंद हो सकता है।